नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दलाई लामा की तबीयत खराब है। दलाई लामा 83 साल के हैं, उनको दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो जानकारी मिल रही है वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं टेंजिन तकलहा। उनका ये कहना है कि प्रिकॉशनरी हम उनको दिल्ली लाए हैं और चेस्ट इन्फेक्शन उनको डायग्नोज किया गया है और मेडिकल सुपरवाइजन में उनको रखा जाएगा अगले 2-3 दिनों के लिए। दिल्ली का एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया है। जानकारी ये भी आ रही है अभी जो उनकी हालत है स्टेबल है, लेकिन डॉक्टर उस चीज पर नजर रखे हुए हैं। दलाई लामा 7 तारीख को धर्मशाला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर भी गए थे। गौरतलब ये है, दलाई लामा ने मार्च के महीने में बोला था मेरा उत्तराधिकारी भारत से ही होगा, और उन्होंने कहा था चीन की तरफ से अगर कोई दलाई लामा आता है तो उस पर आप कभी भी विश्वास ना करें। चिंताजनक बात यह है उनको अब चेस्ट इन्फेक्शन है और 2 दिन सुपरविजन में रखे जाएंगे। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।